अमेरिका को जंग में खींचना चाहता है इजराइल, ईरानी हमले के बाद बाइडेन को सता रहे हैं डर, नेतन्याहू को लगाई फटकार। ईरान ने शनिवार और रविवार को दमिश रात इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया है। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने 200 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल के ऊपर सीधे हमला किया है। IDF के अनुसार 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों में किलर ड्रोन, 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल शामिल थे। इस दौरान लेबनान से भी इजराइल पर 2 रॉकेट दागे गए। इजराइल ने कहा कि अधिकांश ड्रोन और मिसाइलों को इजरायली सहयोगियों की मदद से ईरान की सीमा के बाहर नष्ट कर दिया गया है। हालांकि कई मिसाइल इजराइल क्षेत्र तक पहुंचे, जिसमें एक सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने कहा है कि वह ईरान के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। इस बीच अमेरिकी प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि हमले के बाद इजराइल जल्दीबाजी में कुछ कर सकता है। इजराइल को लेकर अमेरिकी प्रशासन में चिंता। अमेरिका के NBC न्यूज ने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अमेरिकी अधिकारी और एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया गया कि अमेरिका प्रशासन को चिंता है कि ईरान के हमलों के जवाब में इजरायली परिणामों के बारे में सोचे बिना जल्दीबाजी में कोई कदम ना उठा ले। अमेरिकी प्रशासन की चिंता हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध के साथ दमिश्क में किए हवाई हमले के परिप्रेक्ष्य में उभरी है। NBC की रिपोर्ट में अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को संघर्ष में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दमिश्क हमले में पेंटागन भी नाराज। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार व्हाइट हाउस का मानना है कि इजराइल ईरान के साथ बड़े पैमाने पर सीधे युद्ध नहीं चाह रहा है, लेकिन अमेरिका इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता है कि अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर हमला करने के इजराइल के फैसले पर निराशा भी जाहिर की। अमेरिकी अधिकारियों ने NBC में कहा, मुझे नहीं लगता है कि इसके पास रणनीति थी। इजरायली हमेशा सर्वोत्तम राजनीतिक निर्णय नहीं लेते हैं। वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के अनुसार पेंटागन के वरिष्ठ नेताओं ने भी दमिश्क में हमले के समय निजी तौर पर अपनी निराशा व्यक्त की थी, क्योंकि इससे संघर्ष व्यापक रूप ले सकता है। नेतन्याहू से बाइडेन की फोन पे बात। इस बीच ईरान के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू को इस मामले में फटकार लगाई है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना इजराइल की तरफ से आ रहे दर्जनों ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। ऑस्टिन ने कहा, हम ईरान और उसके प्रॉक्सी द्वारा किए गए इन लापरवाह और अभूतपूर्व हमले की निंदा करते हैं, और हम ईरान से अपने प्रॉक्सी बलों सहित किसी भी अन्य हमले के लिए तुरंत रोकने के लिए बोलते हैं।